हाथरस के सिकंदरा राव में गुरुवार को इथेनॉल केमिकल्स से भरा हुआ टैंकर स्टीयरिंग फेल होने के चलते सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गया। हादसे के बाद चालक ने टैंकर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें, यह घटना हाथरस जिले के थाना कोतवाली सिकंदरा राव क्षेत्र के नावली गांव के पास की है। बताया जा रहा है, सिकंदरा राव की तरफ से इथेनॉल केमिकल लेकर आ रहे टैंकर की अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई। स्टीयरिंग फेल होने के चलते चालक का टैंकर पर नियंत्रण नहीं रहा और टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी गहरी खाई में जाकर पलट गया। सड़क किनारे बनी खाई में पहले से पानी भरा होने के चलते एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। हादसे की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए खाई में गिरे हुए टैंकर को बाहर निकाला। क्या नाम है आपका? पिंटू खान। पिताजी का नाम? मुलायम खान। कहाँ रहते हो? बलिया जिला। ये टैंकर कैसे पलटा? स्टीयरिंग फेल हो गया। रात को कितने बजे की घटना है ये? 3 बजे कुछ हो रहा था, मोबाइल समय नहीं था, 3 पार था। अच्छा, तो स्टीयरिंग फेल होने की वजह से पलटा ये? अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम में किसी को चोट तो नहीं आई? नहीं, कोई नहीं था। मैं स्टीयरिंग फेल होकर सीधा गाड़ी फिर से दाएं से दाहिने साइड चली आई। इसमें क्या भरा हुआ है? इथेनॉल है। अच्छा, क्या इस केमिकल से लोगों को नुकसान क्या हो सकता है? ये नुकसान कुछ नहीं हो सकते, अगर आग ही लगे तो आग लग सकता है। आग लग सकता है, यानी ज्वलनशील पदार्थ तो है ना? हाँ, कोई आग लगाए तो आग लग सकता है। इसे मौके पर पुलिस वगैरह आ गई है? हाँ, फोन कराया था ड्राइवर इंसान से, पब्लिक से बोल रहा था फोन लगा दो, कई लोग से रिक्वेस्ट किया, उसके बाद कई लोग तो एक इंसान था वही फोन लगाया, बात किया, उसके बाद बात किया तो फिर पुलिस लिखाई साहब। कहाँ से लेके आ रहे थे से? ये शाहजहाँपुर कटरा रस्सी। और लेके कहाँ जा रहे थे? मथुरा बीपीसीएल। सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के गाँव नावली के निकट कासगंज की ओर से आ रहा एक केमिकल का टैंकर अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया। सूचना पाकर इलाका पुलिस एवं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उन्होंने मोर्चा संभाला। हाथरस 24 के साथ पवन कुमार, मोहित कुमार, सत्य की राह पर।